प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जो कि एक कविता है, चांद का कुर्ता। इस कविता में चांद को एक बच्चे के समान बताया गया है, जो अपनी माँ से हट करता है, जिद करता है कि उसको एक सुंदर सा कुर्ता सिलवा दे। हटकर बैठा चांद एक दिन, इसमें जो चांद है अपनी मम्मा से जिद करता है और माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक चिंगोला। वह अपनी माँ से कहता है कि जिस तरह सभी बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, मेरा मन भी करता है कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनूं, तो मुझे भी एक ऊन का मोटा सा चिंगोला सिलवा दे। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वह अपनी माँ से यह कहता है कि जब रात भर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और मैंने कुछ नहीं ओढ़ रखा होता, तो मुझे बहुत ठंड लगती है, जाड़े में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं ठिठुर ठिठुर कर जो आसमान में यात्रा करता हूँ, उसको बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोनी। जैसे माता सब अपने बच्चों को प्यार करती है और अलग अलग प्यारे नामों से बुलाती है, जैसे बेटा, राजा, तो ऐसे ही चांद की माँ उसको बहुत प्यार से बुलाती है, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे चांद को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि वह इतना सुंदर है कि किसी की नज़र उसको ना लगे और उसको कुछ ना हो, वह कहीं भी किसी भी तरह बीमार ना पड़े। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। फिर उसको माँ उनकी जो होती है वो तसल्ली देती है कि ठीक है, जाड़ा बहुत ज़्यादा है, मैं मानती हूँ तुम्हें बहुत ठंड लगती है, मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे लिए मैं एक झिंगोला सिलवा दूँ, लेकिन मुझे यह डर लगता है कि मैं तुम्हारा झिंगोला किस नाप से सिलवाऊं, क्योंकि हम सब देखते हैं चांद की जो आकृति होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है, कभी बहुत छोटा होता है चांद, कभी बहुत बड़ा एकदम से गोल होता है, कभी आधा गोल होता है, तो जो चांद का जो आकृति है वो रोज़ बदलती रहती है। तो माँ को चिंता है कि अगर मैं उसका झिंगोला सिलवाना भी चाहती हूँ, मेरा मन भी करता है कि मेरा बेटा चांद जो है वो एक झिंगोला पहने, सुंदर कपड़े पहने, तो मैं उसके कपड़े किस नाप के सिलवाऊं, क्योंकि वह रोज़ अपनी आकृति बदलता रहता है। जिस तरह आप इसमें देखें कि कभी चांद इतना होता है, आधा होता है, कभी कभी इसकी शेप जो होती है, आकृति जो होती है, इस तरह से होती है, और कभी पूरा ही गोल होता है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, कभी तो यह बिल्कुल एक उंगल भर बहुत ही बारीक आकृति में होता है, कभी मोटा होता है, कभी छोटा हो जाता है और कभी बहुत बड़ा हो जाता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। तो उसकी माँ कहती हैं कि तुम रोज़ अपनी आकृति को बदलते हो, कभी छोटे होते हो, कभी बड़े होते हो, कभी घट जाते हो, कभी बढ़ जाते हो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते। तो आप लोग भी देखते हो ना, कभी कभी हम जब आसमान में देखते हैं तो चांद होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार चांद नहीं निकला,
और कभी उसकी आकृति बहुत पतली होती है और कभी आधा गोल होता है, कभी पूरा गोल होता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब उनकी माँ जो है अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं चंदा से ही पूछ रही है, चांद से ही पूछ रही है कि बताओ, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे जो नाप का झिंगोला है वो मैं किस दिन नाप दिलवाऊं, ताकि वह तुम्हें रोज जब तुम किसी भी आकृति में हो और तुम्हें वह हमेशा ही पूरा आ जाए, क्योंकि तुम अपनी आकृति रोज बदलते रहते हो। तो यह थी आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, चांद का कुर्ता।